हाय गाइस, आज हम लोग एक्टिव पैसिव करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। उससे पहले मैंने पिछली क्लास में इंपेरेटिव सेंटेंसेस कराए थे, उनके कुछ सेंटेंसेस दिए थे जिनके मैंने कहा था कि सॉल्यूशंस बताऊंगी। तो मैंने चार सेंटेंस दिए थे, इसमें स्टॉप मेकिंग नॉइज पहला सेंटेंस है, जो इसका पैसिव बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप मेकिंग नॉइज। सेकेंड है प्लीज़ अलाउ मी टू गो, यू आर रिक्वेस्टेड टू अलाउ मी टू गो। थर्ड वी राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, इसका पैसिव बनेगा लेट अ लेटर बी रिटन टू द कलेक्टर। फोर्थ सेंटेंस है लीव द बुक ऑन द टेबल, इसका पैसिव बनेगा लेट द बुक बी लेफ्ट ऑन द टेबल। तो ये चारों सेंटेंसेस के मैंने सोल्यूशंस बता दिए हैं। अब हम आगे का शुरू करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव कैसे बनेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स देयर विल बी क्वेश्चन एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू द पैसिव। जब एक्टिव के इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में हो तो इंटरोगेटिव ही रहता है, यानी कि जब एक्टिव का इंटरोगेटिव सेंटेंस हम पैसिव में बदलेंगे तो वो क्वेश्चन ही रहेगा, इंटरोगेटिव ही रहेगा, उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तीन तरह से बनते हैं। पहला है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होना, मीन्स सेंटेंसेस या क्वेश्चन स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स। लाइक कि आई गेव सर्टेन एग्जाम्पल्स, डिड ही किल अ लॉयन। अब ये डिड है, दिस इज पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल का हमने क्या देखा था, जब चेंज होगा तो वॉज एज अ हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाएगा। वॉज अ लॉयन बी किल्ड बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल में लिया, आर यू ब्रिंगिंग टी। तो आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। इज टी बींग ब्रॉट बाय यू। थर्ड, हैव यू डन दैट वर्क, हैज दैट वर्क बीन डन बाय यू। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब ये एक तरह का सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी से बनना। सेकेंड है डब्ल्यू एच वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस, जिनमें डब्ल्यू एच वर्ड है व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सारे। तो इनमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, व्हेन डज ही हेल्प मी। व्हेन डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही हेल्प मी। तो यहाँ हमारा ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, व्हेन आई एम हेल्प्ड बाय हिम, तो व्हेन एज इट इज आएगा क्वेश्चन वर्ब, और बाकी का सेंटेंस अन्य पैसिव जैसे चेंज होते हैं वैसे ही होगा, एंड लास्ट विल बी क्वेश्चन मार्क। फिर व्हाई डिड यू राइट अ लेटर, व्हाई वाज अ लेटर रिटन बाय यू। ये पास सिंपल में है, और व्हाई एज अ क्वेश्चन वर्ब वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड की जगह ही वापस आ रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है। अगला सेंटेंस है हमारा, हाउ इज रवि प्रिपेयरिंग टी। हाउ इज ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हाउ इज टी बींग प्रिपेयर्ड बाय रवि। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड वाले थे, दो तरह के हमने देख लिए, हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू एच वर्ड वाले। अब तीसरा तरह का रहेगा मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज विल, शैल, मे, माइट, कुड, ये वाले सारे सेंटेंसेस। तो इसमें दो एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, विल शी राइट अ बुक। विल एज अ क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसको हम एज इट इज वापस लिखेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ के सब्जेक्ट बन गया, अ बुक। बी रिटन बाय हर। और अगला सेंटेंस है, मे आई सी इट। मे एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है, मे इट बी सीन बाय मी क्वेश्चन वर्ड। तो अब ये हमारे यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हुए हैं। मैंने आपको आपके लिए पांच सेंटेंस लिखे हैं जो आपको अपने आप में चेंज करने हैं, और मैं नेक्स्ट क्लास में इनके सॉल्यूशंस आपको शेयर करूंगी। सेंटेंस रीड आउट कर लेती हूँ, कुड शी राइट अ बुक, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, डज शी हेल्प रमेश, वेयर हैव यू पुट माई बैग, वाई आर यू बीटिंग द सर्वेंट। तो इस तरीके से ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो हम लोगों ने आज देखे, और इनके सॉल्यूशंस नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।